हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज़ जो है बच्चों, एक ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, यानी कि ये हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड डिजीज़ है। तो ये एक कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जो न्यूरोलॉजी टॉपिक है, पैथो न्यूरोलॉजी है, उसके अंडर आता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम शुरू से लेके आखिर तक इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पार्किंसन डिजीज, ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिले कि पार्किंसन डिजीज होती क्या है, ये इसका इंसिडेंस क्या है, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, इंडिया में कितना रेट है इसका, कि कैसे होती है ये डिजीज, वो सब हम इन सीरीज के अंदर और आज की वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट वन, इंट्रोडक्शन टू पार्किंसन डिजीज। तो व्हाट इज पार्किंसन डिजीज? अब बच्चों, पार्किंसन डिजीज को हम पीडी से डिनोट करते हैं। तो अगर आप कहीं भी मेडिकल नोट्स के अंदर पीडी लिखा देखो, तो दैट इज अबाउट द पार्किंसन डिजीज। सो इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे पास दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। ठीक है, तो ये किसको अफेक्ट करता है? CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये एक क्रॉनिक, बहुत ही पुराना और धीरे धीरे बढ़ता हुआ डिजीज है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव है। ठीक है, और ये बोथ मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स को अफेक्ट करता है। इट इज एन एज रिलेटेड न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज, यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ने लग जाएंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो इट इज एन इडियोपैथिक स्लोली प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय रेस्टिंग ट्रेमर, मस्कुलर रिजिडिटी, स्लो एंड डिक्रीज मूवमेंट एंड पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे कि ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब इसका कोई रीजन नहीं पता हमें। दो, हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं पार्किंसन होने के, क्योंकि पार्किंसन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ अबाउट द पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो इडियोपैथिक है, स्लोली प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे बढ़ता है, डीजेनरेटिव है, डीजेनरेशन दिखता है कहाँ पे? इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नहीं बच्चों, CNS बोलोगे आप हमेशा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें रेस्टिंग ट्रेमर होगा, मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी, जो मूवमेंट होगी वो बहुत धीरे धीरे होने लग जाएंगी और बहुत स्लो हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और पॉस्चर जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा इंडिविजुअल का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन। अब इन टर्म्स के बारे में बच्चों हम धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द जस्ट अ ओवरव्यू ऑफ द पार्किंसन डिजीज और द डेफिनेशन ऑफ द पार्किंसन डिजीज। अब हम इसकी ना थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं बच्चों, की पार्किंसन डिजीज ना आई कहाँ से। तो जो पार्किंसन डिजीज है, इसका शुरू से नाम पार्किंसन डिजीज नहीं था। इसका जो सबसे पहला नाम पड़ा इस बीमारी का, वो था शेकिंग पाल्सी, और ये किसने नाम दिया था? जेम्स पार्किंसन ने 1817 में, 1817 में उन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा था, एन एसे ऑन द शेकिंग पाल्सी। तो वहां उन्होंने इस बीमारी को शेकिंग पाल्सी के नाम से डिस्क्राइब किया। सो ही नोटेड द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द डिजीज एंड ग्रेट डिसेबिलिटी इट इनकर्ड एंड कॉल्ड इट पैरालिसिस एजिटेंस। तो उन्होंने इसका ये भी एक नाम दिया था। मच अर्लियर ट्रेडिशनल इंडियन टेक्स्ट फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1000 BC एंड एंशियंट चाइनीज सोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन दैट सजेस्ट पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो ये बच्चों जो आपको रेड कलर में नीचे लिखा दिखेगा यूजुअली हर स्लाइड पे, तो ये बच्चों वो आर्टिकल है, आर्टिकल के ऑथर का नाम है और ईयर है जहां से मैंने ये चीजें नोट डाउन करी है, जहां से मैंने ये चीजें सोर्स करी हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो या फिर इसमें आप और डिटेल में और इन डेप्थ जाके पढ़ना चाहते हो, तो इन आर्टिकल्स को मैंने रेफरेंसेस में लिख रखा है पीछे, आप वो आर्टिकल को वहां पे सर्च कर लेना नेट पे, एंड यू कैन गो एंड स्टडी मोर। बट यहाँ पे जितना आपको एज अ थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए, वो मैंने सब यहाँ पे इंक्लूड किया है।
तो 1817 में आए जेम्स पार्किंसन, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। 1872 में आए जीन मार्टिन चारकोट। 1888 में आए विलियम गोवर्स। 1895 में आए रिचर्ड एंड मीक। 1921 में आए बेबिंस्की। 1921 में बेबिंस्की आए। 1925 में ब्रिसॉर्ड आए। 1953 में ग्रीनफील्ड एंड बोसानक्विट आए। 1967 में होनियार आए। 1967 में ही कॉडजियांस एंड कुलीग्स आए। अब बच्चों ऐसे ना ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है कि ये कितना पुराना है और इस पर कितने लोग आके कितना कितना काम करके जा भी चुके हैं, ठीक है। 1872 के अंदर क्या हुआ फिर, जो चारकोट थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया सम मोर फीचर्स एंड रीनेम द कंडीशन एंड एज पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज नाम किसने दिया हमें, चारकोट ने इन 1872। पर ये डिजीज डिस्क्राइब कब हो गई थी, 1817 में बाय जेम्स पार्किंसन, पर उन्होंने नाम क्या रखा था, शेकिंग पाल्सी, ठीक है। 1967 में कॉडजियंस एंड कोलीग्स ने लेवाडोपा को इन्होंने देखा, पेशेंट को देख के, तो इन्होंने देखा कि लेवाडोपा देने से जो पेशेंट है पार्किंसन का वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो तब से लेके आज तक हम मेडिकल थेरेपी में लेवाडोपा ही देते हैं एज द मेन, यू नो, मेन स्टे ऑफ दैट मेडिकल ट्रीटमेंट इन द पार्किंसन डिजीज। तो ये किसने खोज करी थी, 1967 में कॉडजियंस एंड कोलीग्स ने। अब इसके इंसिडेंस की बात करें तो जो पार्किंसन डिजीज है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये 7 से 10 मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। 2% ऑफ पीपल ओल्डर देन 65 ईयर्स ऑफ एज हैव पीडी। एवरेज ऑनसेट इसका कितना होता है, 50 से 60 साल का। अब बच्चों इसके जो ऑनसेट होते हैं दो होते हैं, एक होता है लेट ऑनसेट जो कि वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है, यानी कि 50 साल के बाद आपको पीडी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक होता है अर्ली ऑनसेट यानी कि 50 साल से पहले ही आपको पीडी हो जाता है। इसमें भी दो होंगे, यंग ऑनसेट एंड जुवेनाइल ऑनसेट। यंग ऑनसेट में पीडी जो है वो 21 से 50 साल के बीच में हो जाएगा, वेयर एज जुवेनाइल ऑनसेट में जो इंडिविजुअल्स हैं जो 21 साल से कम हैं उन्हें जब पीडी होता है तो उसे हम कहते हैं जुवेनाइल ऑनसेट पीडी। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं इंडिया के अंदर तो ओवरऑल प्रेवलेंस और इंसिडेंस जो इंडिया में है वो यूजुअली लो है एज कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। द इंसिडेंस रेट्स आर हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, जापान एंड लोअर इन चाइना कंपेयर टू इंडिया। एज स्पेसिफिक प्रेवलेंस रेट फॉर पीडी इंक्रीज विद एडवांसिंग एज। मैंने आपको कहा ही था जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे पीडी होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। एवरेज एज एडजस्टेड इंसिडेंस रेट फॉर द पीरियड 2003-07 वॉज 5.7 पर ईयर एंड एवरेज एनुअल मोर्टैलिटी रेट ड्यूरिंग द सेम पीरियड वॉज 2.9 पर ईयर, ठीक है। तो ये इंडिया का डाटा दिया था डेवी एट अल्ले इन 2023, तो ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। नाउ अगर हम जेंडर की बात करें तो जो मेन है दीज आर अफेक्टेड 1.2 to 1.5 times मोर फ्रीक्वेंटली देन वुमेन, बट अगेन ग्लोब पे ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, बट जो मेन है उनका एक ज्यादा चांस होता है कंपेयर टू फीमेल पार्किंसन होने का। In most studies, sex specific prevalence rate were higher in men than in women, with the exception of studies. अब exception कहाँ पे आ गया, जहाँ पे females का ज़्यादा हो जाएगा, कहाँ पे, Eastern India में, which reported that women were more commonly affected than men and this was attributed to longer life expectancy in women. अब Eastern India में क्या हो गया कि females को ज़्यादा PD देखने को मिला as compared to male, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो females हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ग्रेटर देन दी मेल्स। बट अगर हम ओवरऑल रेट देखें बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर पार्किंसन जो है वो लो है, कम है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है,
इट इज एट विद द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेड थ्रू अ मेडिकल स्टडी बाय मुथेन एट अल दैट नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन्स इन इंडिया हैव 40% लोअर नंबर ऑफ मेलनाइज न्यूरॉन्स इन सब्सटैंशिया नाइग्रा कंपेयर टू द ब्रेन्स इन यूनाइटेड किंगडम. तो ये हमारी एनाटॉमिकली हमें एक फ़ायदा मिल गया है एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज. अब ये जो मेलनाइज स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों सब्सटैंशिया नाइग्रा में, इसके बारे में हम इन डिटेल एटियोलॉजी में बात करेंगे, ठीक है. दूसरा क्या रीजन है, देर वॉज नो एज रिलेटेड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एज विच इज एक्सपेक्टेड इन दिस डिजीज कोर्स, ठीक है. तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. जब ये कम होने लग जाते हैं तो दे बिकम वन ऑफ द कॉज और वन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी फॉर पार्किंसन डिजीज. There are fewer number of pigmented neurons. The dopamine produced was comparable to the level observed in the West. तो इन तीन चीजों की वजह से इंडिया में पीडी कम है as compared to other countries. So बच्चों this is all about the introduction to Parkinson disease. If you have any doubt you can ask me in the comment section. अब बच्चों next video में हम different sections पढ़ेंगे about the Parkinson disease. Also मैंने यहाँ पे हर slide के नीचे जिस जिस article से मैंने source किया है वो सारी information दे रखी है. तो अगर आपको कुछ भी relevant और देखना है इसके बारे में और जानना है तो आप उन articles पे जाके पढ़ सकते हो. मैंने यहाँ पे उतना ही लिखा है जितना आपको as a student as a therapist आपको पता होना चाहिए. अगर आप और detail में पढ़ना चाहते हो आपका और इंटरेस्ट है सो यू कैन गो, ठीक है. ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.